1 मिनट, हाँ तो यो व्हाट्स अप एवरी बडी इज योर गेमर बॉय हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आप जैसा आप देख पा रहे हो अभी माइनक्राफ्ट में कुछ अजीब है ना। हाँ बहुत बहुत अजीब है भाई। हम अपनी कासर पे क्या कर रहे हैं तो मेन स्टोरी में बताता हूँ। अभी मैं थोड़े टाइम पहले रिकॉर्डिंग करने का ही सोच रहा था और थोड़े टाइम पहले मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था मेरे एडवेंचर वाले पार्ट का, लेकिन वो सारे पार्ट्स मैं रिकॉर्ड तो कर ले, लेकिन लास्ट पे जब कासर ढूंढने की बारी आई ना भाई इतना टाइम लग गया। तो मुझे तब मुझे याद आया, अभी मुझे याद आया कासर के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं कासर के No, God, please, no, no, no! कोऑर्डिनेट्स पे टीपी हो गया भाई। और चेंजेस तो बहुत सारे मैंने कर दिए बिकॉज टेक्नो के मर्ज से कासल पे ऐसे दो दो स्विमिंग पूल लग चुके हैं, तो मैंने भी बना डाले, बहुत ओपी दिख रहा है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज क्या माइनिंग होगी, क्या हम कुछ बनाने वाले हैं? हाँ जी हाँ, आज आप सरप्राइज मदरफकर कुछ बनाने वाले हैं। उससे पहले ये जो वो जिले के मैं घूम रहा हूँ ना, बस क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ, आप मान लीजिए जो सामान मेरे पास है, चाहिए भी नहीं जो सामान उनको भी मैं लेके दूँ। पता नहीं क्या। और स्केली स्पाइडर निकल, फायर एस्पेक्ट वाला स्वॉर्ड है, फिर भी कैसे पता लगेगा तुमको ये किसने तोड़ा? 1 मिनट मिनट तो रहे क्या गाइस? ये मैंने नहीं तोड़ा, नहीं ये तो मैंने नहीं तोड़ा है, किसने तोड़ा गाइस ये? और कासल के अंदर गोलम में पहली बार देख रहा हूँ, हमारे टाउन हॉल के अंदर गोलम थे। अभी एक इनको कौन से ब्लॉक बोलते हैं यार, मैं भूल गया गाइस, इसको मैं रिपेयर कर रही हूँ। ये पक्का क्रीपर और उनका काम होगा, वरना इधर कासल पे कोई आता ही नहीं जाता। क्रीपर नहीं तो उस हड्डी का काम होगा, उसका नाम हड्डी है, वो पूरा हड्डियों का ढांचा है। एक सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा, मैं भूल गया यार उसको, उसका नाम ये लाइट ग्रे टेराकोटा बोलते हैं आज मैंने। और थोड़ी अजीब बात ये भी है कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आई है, तो उसका कारण भी आपको जरूर मैं बताऊंगा। लेकिन उसका कारण बताने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं है बिकॉज पहला कारण है कि टेक्नो गेमर्स का GTA 5 का वीडियो रिमूव हो गया, तो आज उसने न्यूली अपलोड कर दिया है और मुझे वीडियो मिल भी चुकी है, तो मैंने देख भी ली उसकी वीडियो। 1 मिनट, तोरा पूरा टूटा गया है कि कासल, जब से मैं कासल पे नहीं हूँ भाई कोई टूटा हुआ चीज़ें दिख रहा है, मतलब उसकी वीडियो पता नहीं क्या हो गया, तो उसकी वीडियो की वजह से मैंने सोचा कि यार एक दिन वीडियो नहीं डालते, तो कल मैंने इसीलिए वीडियो नहीं डाली, स्ट्रीम भी नहीं की बिकॉज भाई GTA 5 आपको पता है टेक्नो गेमर्स का GTA 5 सीरीज़ कितना मोस्ट पॉपुलर सीरीज है, पे मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज मुझे भी टेक्नो गेमर्स का GTA 5 का वीडियो के लिए बहुत इंतजार था। और मैंने ना फेक चैनल से वीडियो देखे, आज टेक्नो गेमर्स ने वीडियो डाली और मैंने फटाफट PC निकाली और देख ली, खत्म, मैंने वीडियो खत्म कर ली, लाइक भी कर दिया बस। और आप लोग भी वही फेक चैनल पे मत देखो यार, तब देखो ही मत, अगर आपको फेक चैनल के वीडियो आप देखते भी हो तो आप रिपोर्ट मार के देखो, ताकि आपको कोई और किसी को सजेशन नहीं करे वो।
वो लोग डाउनलोड करके दूसरों के चैनल पे अपलोड कर देते, तो वो उसके वजह से टेक्नो गेमर्स के वीडियो को रिमूव किया। इसीलिए आप लोग उनकी वीडियो देखो मत, उनका चैनल आराम से लो हो जाएगा, लो 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 लेवल पे चला जाएगा, और टेक्नो गेमर्स भाई का पूरा व्यक्ति बन जाएगा। अच्छा लगेगा भाई कि लोग हम फेक चैनल्स को फॉलो नहीं करते, मुझे ही फॉलो करते हैं। उज्जवल भाई को अच्छा लगेगा सर। तो अभी उज्जवल भाई की बात सुनते हैं, और अब हम अपने कासल पे आज क्या बनाने वाले हैं, तो स्पेशल सी बात है गाइस, एसएमपी की स्ट्रीम्स आएगी, रुक जाओ। एसएमपी की हमारी मेरी जो एसएमपी है, क्या था पबजी मोबाइल इंडिया की स्ट्रीम्स आएगी, अभी तक मैंने डाली नहीं कोई स्ट्रीम्स, लेकिन आएगी जरूर जरूर आएगी भाई, टेंशन मत करो, जरूर पबजी मोबाइल इंडिया एसएमपी की स्ट्रीम में डालूंगा। उससे पहले मैं नहा लेता हूँ, ये एक स्विमिंग पूल है, इस ज़्यादा नीचे तक नहीं, बिकॉज आपको पता है कितना, और जब मैं रिकॉर्डिंग कर भी रहा था तब मैं एक बार मर भी चुका था, लेकिन बाई चांस मेरा कि कीप इन्वेंटरी ऑन था, बिकॉज जब मैं विलेज में गया था तब मैं एक बार गोलम से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने कीप इन्वेंटरी ऑन कर दिया, तो तब मैं बच गया। तो रिकॉर्डिंग के टाइम में वो सब दिखाना तो इससे नहीं है, तो अभी मैंने कीप इन्वेंटरी ऑफ कर दिया, सरप्राइज मदरफकर, और सब कुछ ठीक है। तो आज जो मैं माइक को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वन मिनट। Oh my God! Wow! तो अभी मैं सोच रहा हूँ, और गाइस न्यू चीजें भी आने वाली है, मेरा चेयर चेंज होने वाला है, ये वाले चेयर पे हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, न्यू चेयर भी आने वाला है बहुत जल्द, तो ये वाले ये थोड़े चेंजेस होने चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है, मुझे अगर कुछ करना है तो क्या हाँ, अगर स्कूल खुला तो चाहिए ना एक चेयर, इतने टाइम में छोटे वाले ऐसे नॉर्मल चेयर पे बैठ के ये नहीं करेंगे, कोई अच्छी बात चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक टॉर्च मेरे पास पहले से था क्या, वन मिनट, था ऐसे पता नहीं था कि नहीं था, ये स्विमिंग पूल मैंने न्यू बनाया है, थोड़ा टाइम पहले ही बनाया है, बिकॉज ये था भी नहीं, आप एक घंटा पहले आप बोल सकते हो, बिकॉज एक घंटा पहले हमने ये बनाया है, ये अभी भी काम करता है, अभी भी काम करता है। तो अभी मेन बात ये है, मेरा दिक्कत और थोड़ा टाइम नेदर एक्सप्लोर कर ले, अबे यार गलत वाली भाई, बस ब्रेड, मैं इतने सारे सामान लेके घूम रहा हूँ ना, वो सामान का यूज ही नहीं है, तो जो जो सामान चाहिए मैं उनको रख के आता हूँ, शेल्कर बॉक्स से सारे सामान निकाल के मैं एक चेस्ट पे रख दूँ आराम से। तो ये हमारा चेस्ट हाउस है, जहाँ पर मैंने फ्रेम वेम तो नहीं लगाया, बिकॉज हर एक सामान पूरा बिखरा ऐसे ही पड़ा रहेगा मुझे पता है, तो इधर हमारा एनविल पड़ा हुआ है पता नहीं क्यों, और वो गाइस एंड पोर्टल है, गाइस तेरा एंडर ड्रैगन तेरा टाइम भी आएगा बहुत जल्द, लेकिन अभी नहीं, इतनी जल्दी एंडर ड्रैगन को मारना, नो गॉड प्लीज नो नो नो, एंडर ड्रैगन को मारना तो अभी मेरे लिए वो दो मिनट का काम है, बिकॉज ये देखो कितना खतरनाक प्रोटेक्शन वाला आर्मर, स्वॉर्ड पे देखो फायर स्पैक्ट शार्पनेस 5, और ओह माय गॉड वाओ, इस पे क्या लगा हुआ है, शार्पनेस 5, एफिशिएंसी 4-3, पावर 5, फ्लेम इन्फिनिटी पंच 2, तो एंड्रॉइड ड्रैगन को सही में वाट गलत वाली लगेगी, हम उसको खत्म करेंगे। तो अभी अगर हमने कुछ भी अभी तक नहीं रखा है, तो एक एक शेल्कर बॉक्स लाइन से रखते हैं जो फुल है, मतलब ये हमारा पहला शेल्कर बॉक्स है जो अभी पूरा फुल है, तो ये हमारा पहला शेल्कर बॉक्स, और वन मिनट, जो फुल शेल्कर बॉक्स है उनको मैं खाली वाले को मैं मेरे साथ रखता हूँ, जो फुल है उनको मैं मेरे साथ नहीं रखता,
ये हमारा बैनर वाला शेल्टर बॉक्स, ये सेकंड, और ये हमारा थर्ड 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 ये रहा। सारे सामान मुझे पता है ऐसे भी भरेंगे, लेकिन सारे सामान को मुझे निकाल के रखना है। तो आज सबसे बड़ा काम तो अभी ये मेरा, और इधर भी और एक चाहिए मुझे। वन मिनट, ये रख दिया। और कोई शल्कर बॉक्स, ये रहा एक शल्कर बॉक्स बचा हुआ है, इसको इधर रख दो। और कोई खाली शल्कर बॉक्स, फुल भरा हुआ शल्कर बॉक्स और कोई है? नहीं है गाइस, और कोई भरा हुआ शल्कर बॉक्स नहीं है। अभी सारे के सारे भरे हुए शल्कर बॉक्स के अंदर लास्ट शल्कर बॉक्स थोड़ा बाकी है, इन पे मैं थोड़ा हाथ साफ कर भी लेता हूँ। ऐसे भी मुझे सारे चीज़ें निकालने हैं, तो कंपस अभी कंपस की तो ज़रूरत है, मटन नहीं चाहिए इतना मेरे पास है, टॉर्च है मेरे पास, एक टॉर्च की पता नहीं मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ, डर्ट डर्ट नहीं चाहिए, बोट बोट नहीं, बोट भी रख देते हैं इधर, फ्लिंट एंड स्टील, हाँ फ्लिंट एंड स्टील इसको भी रख दो, इसको भी रख दो, बस तो बस इतना काम हो गया। अभी एक एक शल्कर बॉक्स की चीजें एक चिस्ट पे जाएगी। ये पूरा रूल्स है भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सारे शल्कर बॉक्स लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक एक शल्कर बॉक्स की चीजें एक एक चिस्ट पे जाएंगी भाई, हम पूरे रूल से रखेंगे। ऐसे कि बिखरा ऐसे ही रख दिया, इधर ही रख दिया, उधर ही रख दिया, कहाँ पर रख दिया, भूल गया बाद में, बाद में अगर याद आया कि कहाँ पर रख दिया, भाई याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा इधर। क्या हम चेस्ट के अंदर सर्कल बॉक्स रख सकते हैं? मैंने एक बार ट्राई किया लेकिन नहीं रख सकते, नहीं रख सकते भाई, ट्राई तो मैंने एक बार किया था, नहीं रख सकते, लेकिन अभी पता नहीं। पॉकेट एडिशन पे, हाँ पॉकेट एडिशन का थोड़ा मामला अलग है ना, पॉकेट एंड बेडरॉक का दोनों का ही मामला अलग है, कुछ अलग ही सीन है उनका। वुड भी 47, ये भी रिसोर्सेस है, इनकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, स्काफोल्डिंग नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारा सामान है, ब्लैक कॉन्क्रीट जो अभी मैं यूज़ कर रहा था हमारे उसको बनाने के लिए, स्विमिंग पूल को बनाने के लिए, थोड़ा डिज़ाइन टाइप का। वाटर बकेट, वाटर बकेट भी नहीं चाहिए अभी, चलो इतने सारे चीज़ें हम लेके रखते हैं। और रोटन फ्लैश, आयरन बार्स और डेंडेलियन गन पाउडर, वुड, ये चेस्ट के अंदर चेस्ट नहीं रख सकते। वाह भाई वाह, देखो सारे के सारे लैंटर्न वो सब सारे डेकोरेशन वाले चीजें मैं लेके घूमता हूँ, पता नहीं क्यों। तो एक शल्कर बॉक्स खाली हो गया पूरा फर्स्ट वाला। और एक रीज़न है गाइस, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बिकॉज थोड़ा बीमार था मैं, ठीक है। तो अभी टेंशन मत करो, अभी प्लान्स अभी आ चुके हैं, अभी अपना भाई आ चुका है, अभी न्यू वीडियो डालेगा, कल आज कभी डाल देंगे। और गाइस कल एक वीडियो डाल लेंगे, कल BGMI की वीडियो आएगी, उसके बाद कल हम वो करेंगे, स्ट्रीम करेंगे पबजी मोबाइल इंडिया SMP की, बिकॉज अभी तक आई नहीं तो चाहिए ना भाई, सारे SMP के स्ट्रीम्स होते रहने चाहिए। और एक स्टैक टॉर्च है तो एक स्टैक की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कंपास चाहिए हमको, कंपास की भी ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको मैं रख दूँ, बिकॉज कंपास भी क्या करेगा यार इतना। और एक शील्ड, एक और ये रेड शील्ड की तो बहुत ज़रूरत है। एक शल्कर बॉक्स हमारा खाली हो गया, ठीक है। अभी इसको खाली करवाने का है, 1 2 3 4 जितने सामान है सारे के सारे, जो मैं एडवेंचर पे इसीलिए जल्दी लौट गया, बिकॉज मैं मेरा कासल खोना नहीं चाहता, तो इतना दूर चला गया था, कितने ब्लॉक्स आपको मैं बता नहीं सकता। कोऑर्डिनेट्स याद करके मैंने टीपी हुआ इस जगह पे, कितनी मुश्किल कि
करके मैं इधर टीपी हो भाई, कितनी मुश्किल मैं बता नहीं सकता। और ये क्या है, बैनर पैटर्न थीम भाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने लूट भी ली उन लोगों से, मतलब विलेजेस से भी, बिकॉज मैंने विलेजेस से बहुत ट्रेडिंग की है मेरे उस विलेज के अंदर जहाँ पर मैं गया था एडवेंचर के लिए। ओशियन एक्सप्लोरर मैप पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी अभी मैं रखूँगा। और वुडलैंड मेंशन तो मैं बिल्कुल जाने, उसके साथ ही मेन सीन है। मैं वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप, वुडलैंड एक्सप्लोर में गया एक्सप्लोर करने, रिकॉर्डिंग ऑन था, बस वो विंडिक्टर ने, मैंने मेरा वो हेलमेट उठा रहा हुआ था और विंडिक्टर में मत्थे पे एग्स बजा दिया और खत्म। मतलब पूरी हार्ट पूरा लो हो गया, इतना लो हो गया कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद कुछ भी करके मैं बच गया, पता नहीं कैसे। तो एक मुझे ऐसा चेस्ट बनाना चाहिए कि एक डेकोरेशन चेस्ट होगा, एक हमारा वो ऐसा चेस्ट होगा। हाँ ऐसा रूल, सॉरी ऐसा बनना चाहिए। और गाइज SMP में भी अभी न्यू न्यू रूल्स बनाने हैं भाई, बिकॉज SMP में अभी बहुत काम है उस, इसीलिए मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा। स्ट्रीम करेंगे तो इस बार तो 3-4 घंटे की होने वाली है। अभी SMP में सिर्फ बिल्डिंग होगी, रिपेयरिंग होगी, और वो घर भी कंप्लीट करना है जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मॉडर्न हाउस जो जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, अभी इनकम्प्लीट है, तो उसको भी कंप्लीट करना है। स्ट्रिंग मैंने इधर, हाँ चिकन चिकन रखने की कोई जगह है क्या? आलतू फालतू चीजें है क्या? अंडा, डर्ट डर्ट, एक सेकेंड, कोई आलतू फालतू जगह नहीं है क्या? चिकन तो ये मैंने इसको, मैं ये चलकर खाली, डर्ट है इधर। हाँ सारे के सारे शेल्कर बॉक्स हमको खाली करके लाइन से सारे के सारे चीजें हमको चेस्ट के अंदर रखना। आज की वीडियो में ये नहीं है भाई, बहुत कुछ है। एक चीज बनाने वाले हैं, एक स्टैचू बनाने वाले हैं। ज़ॉम्बीज़ बाहर रहो, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है, इधर तो खाना पीना काम पर हवा है, तो ये हमारा फुल हो गया। दूसरे वाले चेस्ट के अंदर हम ये रख देते हैं डर्ट और सैंड को। ज्यादातर एक चेस्ट पे मुझे जितना पता है मेरे पास खाने पीने का सामान है, तो मैंने चेक जितना मैंने श्योर बोला तो उतना मेरे पास है नहीं, मतलब मैं ज्यादा ही शेल्कर बॉक्स में लेके घूम रहा हूँ ना। बाकी मेरे पास इतने सारे है ही, तो मैं ज्यादा ही शेल्कर बॉक्स लेके घूम रहा हूँ, थोड़े रख भी देता हूँ, कभी काम आ जाएंगे। ये ब्रेड, हाँ एक से ये तो लाइन से मैंने रखा है पूरा, चलकर बॉक्स खाली खाली। अभी मैं इधर से ब्रेड निकालता हूँ, और ये चीज मेरा इजी हो गया कि मैं पहले सारी चीजें स्टोर करता था मेरे कासल के अंदर, लेकिन अभी मुझे कासल के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैं मेरे इन चीजों को मैं सीधा चेस्ट हाउस पे स्टोर कर सकता हूँ, जो सबसे अच्छी बात हो गई। ये चेस्ट हाउस का सबसे अच्छा काम कर गया, थोड़ा प्रॉफिट हो गया भाई, वरना फिर से कासल जाओ, चीजें ले आया भाई सीधा कासल चले जाते हो, और कासल पे तो ऐसे रख दूंगा, कहाँ पर रख जाऊंगा, भूल जाऊंगा, इधर भूलूंगा नहीं। इधर मैंने लाइन से रखा, ये पहला चेस्ट, ये दूसरा चेस्ट, ये तीसरा चेस्ट, ये चौथा चेस्ट, ऐसे हमने लाइन पे रखा है। और मुझे याद भी है कि पहला वाला चेस्ट पे हमने एडवेंचर वाले चीजें रख, पहला वाला, और जो फर्स्ट फर्स्ट प्लेयर है ना चेस का, ये 1-2, तो प्लेयर के अंदर मैंने सारे एडवेंचर खाना पीना वही सब चीजें रखा है जो मैं एडवेंचर के लेके गया था। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा कोल है, ब्रेड है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे पास इतना सारा सामान है, फिर भी बोल तो भाई मेरे पास हो नहीं। क्या यार। और गाइज 1.17 हम SMP के अंदर खेलेंगे, लेकिन
ऑफिशियली तो रिलीज हो चुका है, लेकिन उसके लिए पहले बात ऑप्टिफाइन चाहिए, बिकॉज मुझे खतरनाक ग्राफिक्स के साथ खेलना है, मतलब आरटीएक्स के साथ खेलना है, तो उसके लिए ऑप्टिफाइन तो अभी तक रेडी नहीं हुआ ना। अगर रेडी हो तो आप बताना, जब रेडी हो जाएगा हम तब खेल के भी अभी उधर कोई फायदा नहीं है। स्पाई ग्लास है, न्यू अपडेट्स केव के लिए है, कोई न्यू मॉब लाओ, जैसे कि वार्डन। अगर उसका जो सेकंड पार्ट रिलीज हुआ ना 1.17 का, तब मैं स्ट्रीम करूंगा अपने एसएमपी के अंदर और सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा, वो मेरा वादा है। तो ये सारे चीजों को सेकंड चेस्ट पे खाली कर दे। ये हमारा बिल्डिंग, खाना पीने का सामान मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, इनको यूज भी नहीं करता। ये एमरल्ड, ये बहुत महंगा एमरल्ड है, इसको मैंने बहुत गलत तरीके से पाया। ये वुडलैंड और ओशियन एक्सप्लोर मैप को मैंने एक्सप्लोर किया है, लेकिन भाई मैं बता नहीं सकता उस वीडियो में क्या क्या हुआ है। उस वीडियो को मैं डालूं क्या, मैं नहीं डालूंगा उसको, मतलब मैं इतने फालतू वाले हरकतें किया ना उस वीडियो में, बता नहीं सकता यार। उस वीडियो को मुझे नहीं डालना है कभी। ये देखो पेपर से हमने इतने सारे एमरल्ड इकट्ठे किए ना विलेजर्स से, जब ऑफ रिकॉर्डिंग में कर रहा था ऑफ कैमरा, तब मैंने ये सारे चीजें इकट्ठे किए हैं विलेजर्स से स्पेशली। और एक सेकंड, मेरा माइक ऐसा हो जा। तो ये हमारा कुक चिकन है, इसको निकालो, ये निकालो, ये रेडस्टोन, ये देखो रेडस्टोन की भी हमने माइनिंग की है, मतलब एडवेंचर से पूरे भर भर के चीजें लेके आए। ज्यादा तो एमरल्ड और थोड़े डायमंड नहीं लाए, ज्यादातर हमने एमरल्ड और ब्रेड और थोड़े एक्सप्लोरर मैप लिए, जिनको मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन उसको मैंने वीडियो में नहीं दिखा पाया। वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, वो वीडियो अभी भी मेरे पास भरा हुआ है, लेकिन उस वीडियो में सॉरी आपको नहीं दिखा सकता, वीडियो में अभी कर गया सामान, उस वीडियो को मैं सॉरी आई कैन नॉट अपलोड, बिकॉज उस वीडियो में पहली बार जब मैं वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप में जब मैं गया, मतलब टीपी हो गया, तब मैंने सीधा स्पॉट और विंडिकेटर के सामने मेरा हेलमेट पता नहीं कैसे उतर रहा था और खत्म स्टोरी। और इधर पेपर, थोड़ा लाइन से रखते हैं, इधर पेपर, रेड स्टोन, ग्लास, एमरल्ड, ये एम्प्टी मैप है, इनको भी मैं लेके इसलिए घूम रहा हूँ बिकॉज कभी हमारा लोकेशन भूल गया तो ये भी काम आएगा। ठीक है गाइस, सारे चीजें ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सर्कल बॉक्स को हमने पूरा 6 से खाली कर दिया है, और 1 मिल गया, मिला ना गाइस, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सर्कल बॉक्स हमने अच्छे से खाली कर दिया है। और अभी मैं निकल लेता हूँ, जो मुझे बनाना है एक स्टैचू, तो अभी मुझे उसको देखना भी पड़ेगा। आपको लग रहा है, जिन लोगों ने गेस कर लिया है आप रो कमेंट्स में लिख देना क्या मैं बना रहा हूँ, और मैं चेक कर लूँगा। और जिन लोग जो लोग सोच रहे हो कि मैं बनाऊँगा एक डायमंड स्टीव, नहीं बिल्कुल नहीं, इधर हम एक नेदरराइट का स्टीव बनाने वाले, हमने उधर डायमंड स्टीव बनाया बिकॉज वो हमारा एसएमपी है, इधर हम नेदरराइट का स्टीव बनाएंगे, उसके लिए बहुत सारे ब्लॉक्स भी चाहिए, कहाँ से लाएंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक सेकंड, अभी मुझे वो वीडियो देखनी पड़ेगी। मजाक कर रहे हो भाई, नेदरराइट का स्टीव, भाई नेदरराइट इकट्ठे करने में सारा दिन चला जाएगा, बिकॉज नेदरराइट इकट्ठे करना पानी कम वाला चीज नहीं है कि नेदरराइट आराम से आ गए, मजे हो गए, पूरे मजे हो गए। तो ये हमारा इधर एक स्टैचू आया, तो 1 मिनट अभी मुझे वो स्टैचू देखना पड़ेगा। इधर आ जा, हाथ, हाँ सॉरी मोबाइल, तो मोबाइल पे अभी मैं वो स्टैचू देख ले, तो उसके बाद मैं बनाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वो बनाऊंगा।
ये एक स्टीव होगा, लेकिन वो नेदराइट स्टीव होगा। आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं, आप बताना कमेंट में। और गाइस इसीलिए मैं आउट्रो इंट्रो इसीलिए नहीं डालता, बिकॉज उसको बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, इसीलिए मैं एडिट करके सीधा सब्सक्राइब और लाइक वो सब डाल देता हूँ, और मीम के साथ। भाई गेमर फ्लेट लाइव है, 12K वाचिंग। गेमर फ्लेट, गेमर फ्लेट गाइज, गेमर फ्रीड लाइव है। चलो अच्छी बात, हीरो वैन एसएमपी के अंदर खेल रहे। मैं तो नहीं जा सकता बिकॉज अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो किसी और दिन जाएगी, लेकिन किसी को पता ही नहीं है मैं एसएमपी के अंदर जाता हूँ। जब सारे बंदे नहीं होते हैं ना, तभी मैं चलता हूँ। अगर मैंने चपाती भाई या कोई भी बंदा एसएमपी के अंदर हुआ ना, तो भाई मैं उधर रुक नहीं सकता। मुझे जब बंदे नहीं रहेंगे तभी मैं ज्वाइन कर सकता। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं स्ट्रीम मीम पे तो मैं बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं नहीं आता हूँ। 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं, नेदराइट स्टीव। मेरे पास सब कुछ तो है ही। मैं स्टैचू, मैं किसने किसने बनाया नेदरराइट स्टीव, 1 सेकंड मुझे देखना है। मैं अभी तक किस किस ने नेदरराइट स्टीव बनाया। गाइस जो लोग गेस कर चुके हो, मैं उनको बता रहा हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। अबे क्या लग गया, अरे तो हम सब कुछ कितना सही चल। अबे यार उज्जवल भाई की वीडियो चल गई। मैं मजाक कर रहा हूँ, नेदरराइट स्टीव हम नहीं बनाने वाले। गैस कर चुके हो तो बताओ, अभी मैं बताता हूँ। ड्रीम का मतलब मेरे सपने के बारे में बात कर रहा हूँ। किन लोगों ने गैस किया है बताओ भाई, किन लोगों ने अभी तक गैस किया है? क्या आप लोगों ने गैस कर लिया कि नहीं? अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो अभी मैं बता नहीं वाला हूँ, बिकॉज वो मुझे बनाना है इधर एसएमपी के अंदर, सॉरी इधर। ये सबसे हमारा माइनक्राफ्ट का सबसे, मैं थोड़ा क्लू दे देता हूँ कि हमारा माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा प्रो है, गॉड लेवल है, वैसा कुछ है। आपको पता चल चुका है कौन है वो, बताओ गाइस कौन है वो। जिन लोगों ने गेस नहीं किया है उन लोगों को मैं बता रहा हूं, आज हम बनाने वाले हैं ड्रीम स्टेचू, ड्रीम का स्टेचू। यस आप लोगों ने सही चुना, हम आज हम बनाने वाले हैं ड्रीम स्टेचू। बोलने में बहुत इजी है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उज्जवल, मैं उज्जवल भाई को बना डालता हूँ ना इधर। हाँ वो भी ठीक है भाई। मुझे उज्जवल भाई को ही बना डालना इधर। टेक्नो गेमर्स का माइनक्राफ्ट स्टैचू ही मैं बना डालता हूँ। हाँ मैं उज्जवल भाई को भी बना डालता हूँ भाई, वही वही बेस्ट होगा।
नहीं भाई, ओबे ज़ॉम्बी के बच्चे इधर आ। फायर स्पेक्ट क्या पानी के लिए गया इधर भाई? जिन लोगों ने सही चुना आज हम ड्रीम का स्टैचू बनाने वाले। फैंटम को क्या है? फैंटम इधर, इतना खतरनाक बो लेके घूम रहो। बहुत गलत मारी ये स्केलेटन, अभी भी जला नहीं है। वाह भाई, चोर देख रहे गाइस, ये अभी तक भी जला नहीं है, मतलब ये पूरा गॉड गॉड लेवल बनने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आ, हम तो मंगा लोगे यार, आपको पता है हम कौन है? हम गॉड लेवल बंदे हैं, गॉड लेवल। अब दे, तू आ जा पहले, तेरे क्या बिगाड़ है मैंने? वन मिनट सारे आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ओ ब्रो भाई बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल बंद करो, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या तोड़ा मैंने इनका? और मैंने इनका कासल तोड़ दिया यार, हटा के। टेक्नो गेमर्स के साथ मैंने गद्दारी की है। नहीं भाई नहीं नहीं, मैं गाइस सेफली पूरा जैसा लगा हुआ था मैं वैसे ही कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, कोई गद्दारी नहीं की मैंने, याद कर दो। वन मिनट स्टोन ब्रेक। ड्रीम का स्टेचू बनाना मुझे आता है, मैंने सोचा कि ड्रीम हमारे माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा वो है, प्रो है। आपको तो पता है ड्रीम कैसे खेलता है, इसकी आप लोगों ने स्पीड रन भी देखे होंगे। तो आज हम टेक्नो गेमर्स के कासल के अंदर ड्रीम का स्टैचू बनाने वाले। लोग स्टीव का स्टैचू बनाते हैं लेकिन हम ड्रीम का स्टैचू बनाएंगे। वाह चलो बनाते हैं। ड्रीम का स्टैचू बनाने के पहले मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जिससे मैं ड्रीम का स्टैचू लगी ऐसा लगना चाहिए। तो ड्रीम का स्टैचू का एक वो होता है, लिमिट होता है को 4x4 का बनाने का है। तो ड्रीम का स्टैचू कुछ इस तरीके के बनेगा। इधर हमको चाहिए व्हाइट स्टोन ब्रिक। अबे हट यार, हाँ टैप हो जा। तो स्टोन ब्रिक तो हमको नहीं चाहिए, पहले चाहिए हमको ब्लैक कॉन्क्रीट। उस ब्लैक कॉन्क्रीट से हम पता नहीं क्या करेंगे। और आज गाइस इंट्रो कैसा हुआ बताओ? आज बहुत मस्त हुआ इंट्रो, मैंने आज मैंने बहुत मस्त इंट्रो किया सीधा। कोई मैं वरना पहले डिस्प्ले कैप्चर ऑन रहता है ना, डिस्प्ले कैप्चर में बोलना कुछ अजीब ही लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं बोलता यार। चार ब्लॉक्स। वन मिनट, वन टू एंड थ्री फोर। तो इधर तक का हमारा चार ब्लॉक बनता है, तो इधर से हमारा स्टैचू बनता जाएगा। क्रिएटिव में इसीलिए बना रहा हूँ, सर्वाइवल में बनाने की वो नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है। है ताकत, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सर्वाइवल में बनाना, इतने रिसोर्सेस परे नहीं है कि सर्वाइवल में बनाने का है। तो समझ गए ना जो लोग, जो लोग नहीं समझो उनको मैं समझाऊंगा, रुचो ना क्या कर रहे हो। जो लोग नहीं समझो उनको मैं समझाऊंगा, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। मेरा खुद का तरीका भी है जिससे मैं समझाता हूँ। वन मिनट, इसको कैसे बनाए इन लोगों ने? पहले बात इसको मुझे, हाँ
ये कॉर्नर से रेडी बना है पूरा, तो मतलब ये मुझे कुछ इस तरीके के बनाना है। इस तरीके से बनाना कुछ, हाँ तो इस तरीके से कॉर्नर से ये जाएगा और तो ये कुछ ऐसे जाएगा और सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कुछ इस तरीके से 1 2 3 कुछ इतना ऊपर लेना है सच से, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा 1 2 इतना ऊपर लेना है इसको। उसके बाद 1 मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ ड्रीम का स्टेचू बनाने का, लेकिन पता नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन आई थिंक बन जाना चाहिए यार ड्रीम का स्टेचू को, नॉर्मल बात नहीं। हाँ चलो ऐसा कुछ बन गया। और अभी क्या करने का, अभी मेन बेस लाइन। हाँ तो अभी इतना तो काम हो गया हमारा, तो सेम टू सेम इस साइड भी कुछ वैसा ही करना है, इस साइड कुछ अलग करना है थोड़ा, इस साइड हमको इधर से 1 मिनट इधर से किस साइड चलेंगे बोलिए, इस बार तो कुछ अलग ही कर दिया भाई। 1 मिनट भाई, ड्रीम का स्टेचू, ड्रीम हमारा माइनक्राफ्ट का गॉड है, फिर भी मैं उसको उसका स्टेचू बना रहा हूँ। वाह भाई वाह, देखते कभी ऐसे बंदे कभी वीडियो देखते हैं नहीं। देखो गाइस आज आप लोगों के लिए हमने ड्रीम का स्टेचू बनाया, ये वीडियो आपको आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत मेहनत से सोच के ये कंटेंट मिला है, जो काम भी आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। 1 2 एंड 3 4 और बिकॉज ड्रीम हमारा वो ड्रीम को माइनक्राफ्ट बहुत खेलना आता है, और लोगों ने ड्रीम एसएमपी भी है ड्रीम के नाम का, और तब तो मस्त है, इसीलिए जहां तक ये जा रहे हैं वहां तक हम इसको कुछ इस तरीके को ऊपर करने का है। उसके बाद इसको 2 ब्लॉक्स, अभी कुछ लग रहा है ड्रीम, तो पता नहीं ड्रीम लग रहा है कि भूत लग रहा है, लेकिन जो बना हुआ है गाइस वीडियो में जो बना हुआ है मैं वही बना रहा हूँ पूरा श्योर। आपको आप लोग मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यार, ये देखो ये देखो ये देखो, तो वीडियो में जो बना हुआ है मैं वही बनाऊंगा एसएमपी के अंदर। सॉरी हमारे मेरा थोड़ा मत्था दर्द कर रहा है भाई, ड्रीम ड्रीम को बनाना कितना मुश्किल है, मैंने जितने एडवेंचर किए उससे भी ज्यादा मुश्किल है ये ड्रीम को बनाना। और ऊपर से गाइस मैं और मैंने और न्यू शेडर्स इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उनको मैं सॉरी यूज नहीं कर सकता, उनका उसका एक ही कारण है, बिकॉज शेडर्स मैं तो यूज तो कर लूंगा शेडर्स, लेकिन थोड़े मतलब जो मेरा और एक खतरनाक शेडर्स है जिसको बीएसएल शेडर्स बोलते हैं, उसको मैं अल्ट्रा मतलब मैं वो यूज करता हूँ उसको, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पे यूज नहीं कर सकता, पता नहीं एफपीएस पूरा लो हो जाता है, बाद में सीन हो जाएगा और वीडियो पूरी बंद हो जाती है और गेम पूरा लैग करने लग जाता है, तो ऐसे तो वीडियो नहीं बन पाएगी, इसीलिए मैंने मीडियम वाले खतरनाक ग्राफिक्स इंस्टॉल मतलब हाई हाई ग्राफिक्स ही है, लेकिन ये थोड़े अलग शेडर्स है, शेडर्स अलग है, रिसोर्स पैक सेम ही है, जो मैंने डाला है वो सब सेम ही आरटेक्स रिसोर्स पैक लगा हुआ है, और आपको आरटेक्स वाले रिसोर्स पैक ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, उस पर मुझे वो रिफ्लेक्शन डालना पड़ेगा, शेडर्स चेंज करना पड़ेगा तब भी दिखेगा, पहले नॉर्मल शेडर्स पे भी ये आरटेक्स का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, तो बीएसएल शेडर्स जब मैं डालूंगा
तभी आपको सारे आरटीएक्स के रिफ्लेक्शंस गोल्ड वो दिखेगा। लेकिन जब मैं बीएसएल थ्रेडर्स पे नहीं खेल सकता, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं दूसरा वाला यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, दूसरा वाला। स्ट्रीम के लिए मैं बीएसएल, नहीं तो चोकोपिक अल्ट्रा वाला। स्ट्रीम मैं ज़्यादा बीएसएल मैं ज़्यादातर खेलने के लिए यूज़ करता हूँ, बिकॉज वो बहुत मस्त शेडर्स है। 1 मिनट। कोई हंसेगा नहीं, ड्रीम लग रहा है। जब बनेगा ना तब बोलना, जब बनेगा ना तब बोलना। बिल्कुल ड्रीम लग रहा है ये, लेकिन अभी तक इसको मैंने बनाया नहीं ना। कभी ट्राई किया होता तो ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया इसको। ड्रीम को मैंने कभी भी माइनक्राफ्ट में भी स्टैचू के हिसाब से नहीं बनाया, ना उज्जवल ने बनाया, ना मैंने बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। तो इसलिए ये मेरा चैलेंज है पूरा, आज मैं ड्रीम के स्टैचू का मैं मेरे एसएमपी के अंदर, सॉरी मेरे इसके अंदर मैं बनाऊंगा। उधर भी दो ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक कर, गलत बनाता हूँ, कभी कभी गलत बन जाता है, लेकिन अब कुछ ठीक ही हो रहा है, कुछ भी ठीक ही। इस तरह को ऊपर करना है, कुछ इस तरीके को ऊपर करना है, तो ये कुछ इस तरीके का ड्रीम है। और सबसे ऊपर मुझे इसके ऊपर, इसकी इस साइड में मुझे आंखें लगानी है इसकी, जो कुछ इधर बनेगी। गलत 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 बिल्कुल गलत, वो कुछ इस साइड में बनेगी, पेनी वाइज बन जाएगा भाई। 1 मिनट। इधर बन, थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी यार, सीन करेगा, रुक जाओ। थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए यार, टू स्पेस कर, थोड़ी जगह तो छोड़नी चाहिए ना, इतना बड़ा तो ड्रीम नहीं है। चलो तो ये हमारा इधर रहेगा एक, और एक हमारा, हाँ एक हमारा इधर आएगा, तो इस साइड। तो ये हमारा पूरा ड्रीम का जो फेस है वो रेडी नहीं है, रुक जाओ, और थोड़ा इसका डिटेलिंग बाकी है। वो मैं कब का, ड्रीम बनाना बिल्कुल मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन की भी बात अभी आ गई। हाँ ठीक है, ड्रीम का फेस बन गया। अभी अभी मुझे इस ड्रीम को कच्चे पहनाने, मतलब कच्चे पता नहीं इसे कच्चे पहने के लिए कच्चे पहनाने। गाइस ये इसको मैं सीधा बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको मुझे अभी सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए आई थिंक मुझे कुछ
इधर का गैप नहीं रखना चाहिए, सारा फिल कर देना पड़ेगा। हाँ सीधा बनना है ना, ये तो सीधा बनेगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। टेक्नो गेमर्स के कासल के अंदर ड्रीम का हमने स्टैचू रेडी कर दिया था मैं बहुत 1 2 3। और आज की ये वीडियो एड नहीं करते हैं, रुक जाओ, इसको एडिट करने में मत्था गर्म होगा मेरा, एडिटिंग में इतना काम नहीं है। ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, जैसे ये वाला बना हुआ है, तो ये वाला कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का, इसके बाद ऊपर का कुछ इस तरीके का, नेट अभी कुछ सीधा लग रहा है ये ड्रिंक। यार छेड़छाड़ करना पड़ रहा है अभी ड्रिंक के साथ, दो ब्लॉक कुछ इस तरीके का रखना पड़ रहा है। चलो कहीं ड्रीम का तो काम बन गया, ड्रीम का फेस तो बन गया, अभी मतलब ये ड्रीम के स्किन से मैं प्ले के बना रहा हूँ, अभी मुझे ड्रीम का सब कुछ करना है, डिटेलिंग देना है, थोपरा बनाना है ड्रीम का। और अगर जिन लोगों को पता है ड्रीम का थोपरा आँख ये सब कुछ यही है, ये जो फेस देख रहे हो ना ये है ड्रीम का आँख, ये ड्रीम का फेस, उसके मत्थे के अंदर कुछ भी नहीं है, का मेन ये है ड्रीम के, ये जो पेट के अंदर ही उसका आँख है, और ये पता नहीं जैसा दिखा हुआ है मैंने वैसा ही बनाया, कोई स्क्रिप्टेड विप्टेड नहीं है, आप लोग बोल सकते हो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ग्रीन कॉन्क्रीट लो, उसको कॉन्क्रीट करो, सॉरी लीम कॉन्क्रीट, को लीम ही बोलते हैं ना, दो कुछ इस तरीके का करना चाहिए। आज हमारा ड्रीम रेडी हो रहा है, रुक जाओ, 1 2 3 इसको कुछ इस तरीके का रखना, उसके बाद आई थिंक हमारा ड्रीम टोटली रेडी है, थोड़ा ही बाकी है ड्रीम का बस, हाथ तो बन ही चुका है, अभी ये भी बना डाल तो ड्रीम गाइस कंप्लीट कर लिया ड्रीम को। हर मिनट लग रहा है ना ये ड्रीम, हाँ ये ड्रीम ही लग रहा है। अभी ये ड्रीम का मेन भेजा बनाना है, बस आज की वीडियो के लिए इतनी होगा भाई, ड्रीम का भेजे में मत्था गर्म होता वो भी, इसके भेजे के अंदर कुछ होता ही नहीं,
सारा पार्कोर ये अपने पेट और दिमाग के अंदर से करती हूँ, इसलिए इतना बड़ा पार्कोर चलती हूँ। गाइज वन मिनट, रिकॉर्डिंग और स्ट्रीम करना दोनों मुश्किल ही होता है। हमारा पूरा ड्रीम का वो मिल गया फेस, ड्रीम का फेस कुछ इस तरीके का ही है, उसका फेस खाली है, बंदा ही ऐसा है कि उसका फेस खाली होता है, पता नहीं कैसा अजीब बंदा ये। और उसके मैंने SMP के अंदर भी गए वर्ल्ड डाउनलोड करके, पॉकेट एडिशन वाला वर्ल्ड पे गए मैं, उस पे मैंने ड्रीम के बहुत सारे वो देखे भाई, क्या पस्त बनाए उसके लिए, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, वो बहुत मस्त वाला बिल्डर है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चलो हमारा ड्रीम गाइज रेडी है। और आज की ये वीडियो के लिए इतना ही, जो टाइम से डे करो और सर्वाइवल में आते हैं। ड्रीम दिखता कैसा है, और मैंने पहले मैं सो के आता हूँ। पहले मैं कासल के अंदर सो के आता हूँ, रुक जाओ। सर्वाइवल ये पूरी सीरीज सर्वाइवल है। मैं जब से मेरा कासल गुम गया ना, तब से मैंने सोचा कि मेरी सीरीज एंड हो गई भाई, मेरी सीरीज बचना है ही नहीं। लेकिन जब से मेरे एक्सपीरियंस याद है, तब से मैंने ये चीज सोचा कि आज हम ड्रीम बनाने वाले हैं। मथा दर्द कर रहा है यार, वीडियो के टाइम के साथ सारे परेशानियां आने की। तीन चार पार्ट एक ही बार में जोड़ना पड़ता है। तो अभी मैं चलता हूँ, बाहर निकल टेक्नोग्राफर से कासल के अंदर भाई, उसने क्या क्या बना रहे था यार, बहुत ओपी। इधर हमारा घोड़ा है जिसको मैंने अभी तक मिला भी नहीं है, बिकॉज एडवेंचर के बाद अभी तक मैंने इसको मिला भी नहीं। और जो हमारा बैम्बू, जो पांडा बैम्बू है, तो उसको भी मैंने छोटा कर दिया घोड़ा स्विमिंग पूल की वजह से। और पोलर बिया का घर मैंने सोचा था तोड़ दूँ, बिकॉज तोड़ दिया है। ये गाइस हमारा ड्रीम रेडी है,
ये देखो भाई, ये हमारा ड्रीम रेडी है। और मैं पहले ये फालतू फालतू चीजों को मैं चेस्ट पे रख के आता हूँ। हमारा चेस्ट हाउस का दरवाजा किधर है? वन मिनट, चेस्ट हाउस का मेरा दरवाजा किधर गया? ये ना चेस्ट हाउस का दरवाजा, मैंने वन ये पहला चेस्ट, ये दूसरा चेस्ट, ये इधर ब्रेड, ब्लैक कॉन्क्रीट, आलतू फालतू के तीर कमान। अभी लैग होना है गेम को, अभी रिकॉर्डिंग में एंड करने वाला, इनको गेम लैग करवाना है भाई। क्या सीन है यार। ठीक है चलो, तो वन मिनट, आगे से भी मज़ दिखता है, पीछे से भी मज़ दिखता है। तो गाइज आज की ये वीडियो के लिए इतना ही। वन मिनट क्लोज, वन मिनट हट यार। अभी ले हो जाओ इनको, जब मैं वीडियो एंड करूंगा तभी इसी टाइम पे लैग होने का है। ठीक हो जा यार प्लीज। प्लीज ठीक हो जा। जिस टाइम पे मैं वीडियो एंड करूंगा उसी टाइम पे लैग होगा, किस्मत भी देखो मेरी। ओह माय गॉड, वाओ। नो गॉड प्लीज नो नो नो। वन मिनट चल रही है ना गाइस वीडियो? हाँ चलो 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 चलो, चलो। OBS, हाँ चल रही है। तो गाइस आज की ये वीडियो के लिए इतने ही है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलता आपको नेक्स्ट और न्यू पार्ट्स में। और गाइस SMB की स्ट्रीम कल होगी, कल आ जाना SMB के अंदर। और तब तक के लिए गुड बाय।